आज मैं आपको बताऊंगा एक अहम जानकारी जो 25 मई को NCIFSM की वेबसाइट पर जो PDF अपलोडेड हुई है उत्तर प्रदेश के, उसमें से पूरी ऑल इंडिया की अपलोड हुई है, लेकिन मैं इसमें आपको उत्तर प्रदेश के कॉलेज जो मान्यता प्राप्त मतलब परमिटेड कॉलेज हैं केवल वही बताऊंगा, और जो परमिशन वाले नहीं हैं उनकी अलग PDF है, वो अलग है। देखते हैं, पहले तो ये 8 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वो हैं जैसे स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ, ललितहरी बुंदेलखंड गवर्नमेंट, SRM गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट वाले तो हैं ही, बाकी प्राइवेट कहाँ से स्टार्ट होता है, प्राइवेट स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, संबे कौशैया है ना, संबे कौशैया ये परमिटेड कॉलेज है इस बार, और ये आपका वैद्य यज्ञदत्त, श्री साई आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज अलीगढ़, मेजर एसटी सिंह फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट है ये वाराणसी का, गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज ये आपका वाराणसी वाला है, ये भी संस्कृति यूनिवर्सिटी से है स्वरूपानंद वाला, भारत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर का कॉलेज है, प्राइवेट है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के आएंगे, अभी उत्तर प्रदेश के मैंने हाईलाइट कर लिए हैं सभी कॉलेज, प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आपका लखनऊ में है ये, और ये शांतनु संतुष्टि सॉरी संतुष्टि आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, ये आपका मिर्ज़ापुर में है, और ये कॉलेज है गंगाशील बरेली में है, शिवालिक आजमगढ़ में है, कुमार शेखर विजेंद्र आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ये आपका सहारनपुर में है, गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज अच्छा ये छत्तीसगढ़ का, अगर नहीं उत्तर प्रदेश के हाईलाइटेड हैं सभी, श्री डॉक्टर कृष्णा गोपाल ये आपका झांसी में है KG द्विवेदी, और श्री बाबू सिंह दद्दू सिंह आपका फर्रुखाबाद में है, ये परमिटेड कॉलेज के सभी लिस्ट हैं, परमिशन कम मिली है इनको वो भी डेट है, जैसे श्री बाबू सिंह दद्दू सिंह वाले को मिली है 26/10/2021 को परमिशन मिली थी 2022 में एडमिशन लेने के लिए, सीट इसकी 100 थी, PG की कोई सीट नहीं थी, बाकी 100 की 100 सीटें थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश का ये श्री बाबू सिंह जय सिंह वाला 100 सीट थी फर्रुखाबाद में, ये भी है जीवन ज्योति, ये भी अलीगढ़ में है, परमिटेड कॉलेज हैं ये सभी, मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं सेशन 21-22 वाले, रामचंद्र वैद्य ये वाला आपका है लखनऊ में, और ये निकल गया जीवक, ये भी आपका चंदौसी में है, चंदौली में मान्यता प्राप्त है, प्रश्ना सॉरी कर्नाटका का है, संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ये आपका प्राइवेट है, अमरोहा में है, और ये ग्लोबल ये आपका सहारनपुर में न्यू कॉलेज है, विवेक कॉलेज ऑफ साइंस हॉस्पिटल मुरादाबाद रोड बिजनौर में है, ये आपका RV आगरा में है, धनवंतरी बरेली में है, बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं ये आपका मऊ में है, इंस्टीट्यूट आयुष ये वाला आपका लखनऊ में है, VMT आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये आपका अमरोहा में है, प्रकाश इंस्टीट्यूट ये आपका बुलंदशहर में है, SRS आगरा में है, GS हापुड़ में है, RK आजमगढ़ में है, डॉक्टर विजय ये आपका वाराणसी में है, दिव्य ज्योति DJMC जैसे कहते हैं DJMC ये आपका नोएडा में है गाजियाबाद, SAS ये आपका हरहुआ रामेश्वर रोड हरहुआ उत्तर प्रदेश का, ये हरहुआ होगा कहीं पता नहीं मुझे नहीं पता, SKS मथुरा का है, और ये अपेक्स इंस्टीट्यूट ये आपका
मिर्ज़ापुर का है, KVS गाजीपुर में है, और ये आपका एंक्राइट्स लखनऊ का है। अच्छा फेमस कॉलेज है ये तो। दून आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज ये आपका सहारनपुर में है। चंद्रशेखर ये भी आपका कौशाम्बी में भी है। CSPM आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ये आपका गोंडा में है। ये आयुर्वेदिक उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज हैं, सेशन 21-22 के मान्यता प्राप्त। ये आपका है श्री सत्ता आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, ये आपका मुरादाबाद में है। कलावती कासगंज में है। ईशान आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज आपका ये नोएडा में है। संस्कृति मथुरा में है। भारतीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज ये आपका अमरोहा में है, और सरदार पटेल ये लखनऊ में है। ये सभी मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं। श्रीराम मेरठ में है, महावीर मेरठ में है। ये सभी आयुष मंत्रालय से NCISM की वेबसाइट से डायरेक्ट मान्यता प्राप्त कॉलेज। मैं आपको दिखा भी देता हूँ लास्ट में चल के। ये लिखा हुआ लिस्ट ऑफ परमिटेड आयुर्वेदा कॉलेजेस अंडर सेक्शन 13 फॉर द आयुर्वेदा 21-22 एज ऑन 25 मई 2022 के अनुसार ये सूची है। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आगे की वीडियो हम लाएंगे किसी अच्छे टॉपिक पर। धन्यवाद।